Bismillahirrahmanirrahim. Evolution of Libraries and Information Sources. ये कोर्स हमने GCBS LIS करिकुलम से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, जिसका आज लेक्चर नंबर 6 है, जिसका उन्वान है इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग कब हमारे वजूद में आई थी, इस पर इंशाल्लाह आज हम रोशनी डालेंगे। हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग पे अगर हम रोशनी डालें तो द हिस्ट्री ऑफ प्रिंट रन्स पैरेलल विद द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे इंसान की जो ना यानी तहजीब की सिविलाइजेशन की तारीख है, इसी तरह प्रिंट की भी एक तारीख है। इट्स बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट एज ए स्पेशल एंड हैज प्रूव टू बी अ की कंट्रीब्यूटर इन स्प्रेडिंग कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड या अक्रॉस द ग्लोब। इसका मतलब ये कि जैसे कि इंसानी तारीख में जैसे इरतकाई मराहल गुजरे थे, इसी तरह प्रिंटिंग की दुनिया भी एक इनकलाब आया होगा। हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग इज मेंशन इन डिटेल्स हियर। अच्छा, प्रिंटिंग की तारीख यहाँ पे मतलब मुख्तसरन, लेकिन जो उस वक्त से लेकर अब तक जितनी प्रिंटिंग प्रेस इजाद हो गई थी, इसी पे हम रोशनी डालेंगे। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इज अ विंटेज प्रिंटिंग एट इट्स बेस्ट। इट्स क्रेडिटेड एज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग एंड वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना अराउंड 218। 200 साल कबल मसीह जो है ना, ये 200 कबल मसीह ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चाइना में मारे वजूद में आया था। और ये वुड ब्लॉक यानी लकड़ी की शक्ल में ब्लॉक बनाते थे और उसी पे चीजें कंदा करते थे। मोबाइल टाइप। मोबाइल टाइप 1041 क्रिएटेड बाय शिंग इन सॉन्ग डायनेस्टी। सॉन्ग डायनेस्टी चाइना में जो ना एक दौरे हुकूमत थी, उसमें मोबाइल टाइप प्रिंट बन गया था। ये भी वुड कट के बिल्कुल ममासिलत रखती है। अल्दो दिस पार्टिकुलर टेक्निक वाज यूज स्पेसिफिकली फॉर प्रिंटिंग स्ट्रिप, स्ट्रिप बनाने के लिए मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग को इस्तेमाल किया जाता। इसके बाद द फर्स्ट एवर प्रिंटिंग प्रेस 1440 जॉन गुटेनबर्ग इज परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन टू फीचर इन द एवोल्यूशन ऑफ प्रिंट। जैसे कि जॉन गुटेनबर्ग, इसको जो है ना तारीख में आज भी सुनहरे हुरूफ के साथ लिखा जाता है, इन्होंने ये प्रिंट की दुनिया में एक इनकलाब बरपा किया था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस एंड इनोवेटिव मेथड्स दैट बिल्ट ऑन टेक्निक सच एज मूवेबल टाइप बट कंसोलिडेटेड देम इनटू वन डिवाइस दैट कुड बी ऑपरेटेड बाय हैंड। इन्होंने जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाया हुआ था 1440 में, वो ये मूवेबल प्रिंट हुआ करता था और ये बाई हैंड ऑपरेट किया जा सकता था। आइकॉनिक प्रिंट मूवमेंट द गुटेनबर्ग बाइबल 1455, 15 साल बाद ये एक नया प्रिंट आया हुआ था, जिसका नाम था आइकॉनिक प्रिंट मूवमेंट। द वेरी फर्स्ट बुक टू बी मास प्रोड्यूस्ड वाज द गुटेनबर्ग बाइबल इन 1455। इसने इस पे बाइबल को जो है ना प्रिंट किया हुआ था और ये पहला मतलब बुक की शक्ल में हमारे वजूद में आया था। द मेथड यूज टू डू सो वॉज मूवेबल टाइप एंड अराउंड 180 कॉपीज वर प्रिंटेड। अच्छा, ये पहली जो ना बुक थी जिसकी 180 कापियां प्रिंट हो गई थी। एचिंग 1555 में एचिंग वाज यूज इन मिडिल एजेस टू डेकोरेट मेटल आर्म्स एंड आर्मर। अच्छा, ये जो आर्म फोर्सेस की जो मेटल्स होते हैं या आर्मर के, इस इसी पे प्रिंट किया था। एंड लेटर डाउन द लाइन इट वाज अप्लाइड टू प्रिंट मेकिंग बाय द जर्मन क्राफ्ट्समैन डेनियल हॉपर। डेनियल हॉपर ने इचिंग प्रिंट इजाद किया था 1515 में, जिसमें मिलिट्री के जो एंटीक्स होते उसी को प्रिंट किया जाता था। इसके अलावा लिथोग्राफी। लिथोग्राफी 1790s द नेक्स्ट रिवोल्यूशन ऑफ प्रिंट मीडिया। लिथोग्राफी इज अ टेक्निक विच इज स्टिल कॉमनली यूज टूडे। लिथोग्राफी का जो प्रिंट है अभी भी कहीं रोम और यूरोप में पाया जाता है, मिल जाता है। द रोटरी प्रेस इन्वेंटेड बाई रिचर्ड मार्च हु। द रोटरी प्रेस वॉज द नेचुरल सक्सेसर ऑफ अ प्रिंटिंग प्रेस। इट वर्क बाई यूजिंग सिलेंडर्स विच द इमेज टू बी प्रिंटेड वर कर्व्ड अराउंड। अच्छा, इस पे जो तस्वीर बनाया जाता था रोटरी प्रेस से, ये 1843 में बन गया था। किसने बना था? रिचर्ड मार्च हु ने। और ये रोटरी प्रेस ये नेचुरल सक्सेस था और ये प्रिंटिंग प्रेसेस के तौर पर ये इमेज को एक थोड़ा एम्बोज रखते थे। ऑफसेट प्रिंटिंग 1875 ऑल्दो इट वाज डेवलप्ड इन ऑलमोस्ट 150 इयर्स अगो, ऑफसेट प्रिंटिंग रिमेंस ऑलमोस्ट अनचेंज्ड टुडे एंड इज द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ प्रिंटिंग लार्ज रन्स।
ऑफसेट प्रिंटिंग जो है ना 1875 में आया होता, लेकिन आज भी इसकी जो है ना पॉपुलरिटी उतनी है जैसे पहले थी। स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग 1910 में इन्वेंटेड इन चाइना ड्यूरिंग दी सॉन्ग डायनेस्टी बिटवीन 960 1279 में, बट इट डिडंट टेक ऑफ इन यूरोप अंटिल द अर्ली 1910 व्हेन सिल्क स्टॉक बिकेम मोर वाइडली अवेलेबल। ये भी चाइना में आया हुआ था, लेकिन यूरोप में ये कब पहुंचा था, 1910 में। तो ये इसकी एक स्क्रीन प्रिंटिंग के कुछ जो है ना एक एग्जांपल है जो कि हमने यहाँ। इंकजेट प्रिंटिंग 1951 में, थैंक्स टू इंकजेट प्रिंटिंग डायरेक्ट कांटेक्ट विद पेपर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। इंक कैन नाउ बी अप्लाइड बाई स्प्रेइंग इट थ्रू जेट्स फन। अच्छा, ये इंकजेट प्रिंटिंग 1951 में आया हुआ था, इसमें इंक डाला जाता था और ये पेपर पे जो ना इंक के जरिए से चीजों को प्रिंट किया जाता था। लेदर प्रिंटिंग 1969, वंस जेट केम इन टू प्ले द प्रिंटिंग फील्ड वाज वाइड ओपन। इंटर लेदर प्रिंटिंग, इसके बाद जो ना जो लेदर प्रिंटिंग आई थी वो 1969 में। दिस एडवांस मेथड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेजेस बाय पासिंग ए लेदर बीम बैक एंड फोर्थ और अ नेगेटिवली चार्ज सिलेंडर विद इन द प्रिंटर। ये 1969 में लेदर प्रिंटिंग का, और उसके बाद जो है ना प्रिंटिंग की दुनिया में एक अजीम इंकलाब आ गया। डिजिटल प्रिंटिंग 1999, इन द डॉन ऑफ द डिजिटल एज प्रिंटिंग गॉट फास्टर एंड मोर इजीली एक्सेसिबल टू एवरीवन। डिजिटल प्रिंटिंग मेड इट पॉसिबल टू प्रिंट स्ट्रेट फ्रॉम अ डिजिटल फाइल एंड ऑल फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर ओन होम। अभी आजकल जो दौर है डिजिटल प्रिंटिंग का है, उसके बाद जो है ना इसमें नई नई मॉडल आ रही है, लेकिन ये जो प्रिंटर था ये मतलब एक शाहकार थी, और ऐसी शाहकार के आजकल हर घर में कोई भी डिजिटल फाइल की आप विद इन सेकंड, बल्कि आजकल तो जो प्रिंट आई भी वो वायरलेस है, आप कहीं पे भी हो और वो आप मतलब दूर उसके लिए केबल की भी जरूरत नहीं है। लेदर प्रिंटिंग जैसे और सेंसर इसमें लगा हुआ होता है, तो बहुत हसास किस्म की प्रिंटिंग आई हुई, और इस तरह की जो ना प्रिंटिंग की दुनिया में ये एक इनकलाब बरपा हो गया। मुझे उम्मीद है कि प्रिंटिंग के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गेन हो गई होगी। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।